हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। दिस इज रेहान एंड दिस इज साहिल। सो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं शाने रमजान कलाम 2019 ARY डिजिटल। तो काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम सब जानते हैं रमजान आ रहे हैं, रमजान आ ही गए हैं, आ ही गए, रमजान आ नहीं रहे, रमजान आ गए। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस पर हम रिएक्शन करने वाले शाने रमज़ान ARY डिजिटल। हर साल इनका एक शाने रमज़ान कलाम हर साल आता है, जो कि थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस होता है, बाकी वही रहता है, लेकिन वही रहता है। और मतलब हर बार नया वीडियो शूट होता है उसका, नए तरीके से, और थोड़ा और थोड़ा लिरिक्स में चेंज होता है, थोड़ा सा हाँ। सिंगर भी हो सकता है चेंज होते हैं। लास्ट ईयर वाले पे भी हमने रिएक्शन किया था, पर हमने शायद वो रिमूव कर दिया था, जस्ट बिकॉज आप पता ही आपको कॉपीराइट स्ट्राइक। नहीं यार, वो ARY डिजिटल ने रिमूव कर दिया था। ARY डिजिटल ने उस वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं दी थी हमें, बट रिमूव कर दिया, बट वो वीडियो ब्लॉक कर दिया था। तो उस वीडियो, इस वजह से वीडियो चैनल से गायब है। तो इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे, इस बार हम फेसबुक पर अपलोड करेंगे ताकि आप लोग देख पाए। हाँ, लेकिन रिव्यू आप यहाँ जरूर देखना, रिव्यू आप यहाँ देख लेना। तो फेसबुक पेज पर हमारे जाइए और इसका रिएक्शन देखिए और हमें फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लेना और हम देख लेते हैं वीडियो, आगे डिस्कशन करेंगे। हियर वी गो। माशाल्लाह, ARY डिजिटल पर बहुत ही बढ़िया, जब भी सुपर्ब लगा हमें, देख लिया हमने। हर बार की तरह इस बार का भी शाने रमजान कलाम जो है बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, बहुत ब्यूटीफुली शूट किया है। और हर बार जब शूट करते हैं तो वीडियो देखकर ऐसा ही लगता है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ फील रही है। और स्टार्टिंग में भी हमने कुछ सीन्स देखे जिसमें कोई विलेज का बताया, विलेज के बच्चों को बताया, एहसास करके कोई वो है उनकी कोई फाउंडेशन एहसास करके, हाँ, उसकी मदद से वो मदद करते हैं, पानी हाँ, पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं, पानी का ही कुछ बताया, तो बच्चे भी खुश हो रहे थे पानी में पहुंच रहा था। तो वो ऐसी कुछ जगह होगी यहाँ पे, वो एहसास करके भी शायद कोई वो है फाउंडेशन, कि किसकी फाउंडेशन है प्लीज़ बताइएगा। दिखा था ना, टी शर्ट पहनी हुई थी। और जुनैद जमशेद साहब को भी इसमें भी दिखाया, हर बार की तरह लास्ट ईयर वाला भी हमने देखा था, तो बहुत बढ़िया पढ़ते थे यार कसम से, तो बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। और लास्ट ईयर वाले कुछ एक्टर इसमें मिसिंग है, जैसे हुमायूं सईद हो गए, हाँ, शाहिद अफरीदी हो गए, और भी लास्ट ईयर एक्टर ज़्यादा थे ना, काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए, ये वो वाला सीन हुआ था जब जब वो पानी भर रहे थे, तब वो उन्होंने देखा और वो गाड़ी लाए, हाँ, और फिर वो उन्होंने वो करा था पानी का इंतजाम किया था, एहसास एक वो है, तो वहाँ पे हैंडपम्प लगाया था, राइट राइट, फिर कुछ टंकी वगैरह थी, मतलब बात करते हुए भी बताया इन्हें एहसास वालों से, एहसास वालों से कि भैया प्लीज़ यार ये मदद कर दो, उन्होंने मदद भी की इस विलेज की। और हाँ, और वो मतलब वो दुआ दी उन्होंने, माई ने तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, हाँ, वो वाला सीन, वो सीन भी बहुत सही था। तो ओवरऑल सच में ऐसा होता है, जब कोई दुआ देता है तो अच्छा लगता है यार, ये बात तो सही, अच्छा काम करके सभी को अच्छा लगता है, लेकिन लोग करते नहीं है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। अच्छा है रमजान में वो सीन मुझे सबसे बेस्ट लगा, जब वो बच्चों को पानी मिलता है और वो खुशी से नहाते हैं, और उसके बाद फैद मुस्तफ़ा वाला आ जाता है, हाँ, फैद मुस्तफ़ा वाला, फैद मुस्तफ़ा भी मतलब हेल्प करते हैं किसी की, वो कोई बच्चा है वो कोई टर्मिनेशन टर्मिनेट कर देते हैं, उसे नौकरी से निकाल देते हैं, आई थिंक उसको जस्ट बिकॉज उसको कहीं कुछ करना रहता है, तो उसको मदद करके उसको चेक दे देते हैं, या फिर उसकी यूनिवर्सिटी में उसको फीस देना रहती शायद, कुछ भी उस, हाँ, यूनिवर्सिटी से टर्मिनेट कर देते हैं, हाँ, उसको, तो टर्मिनेशन के लिए वो फीस के पैसे मांग रहा होगा होता है प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर नहीं देता है, तो वो तो ये बेसिकली एक मैसेज देने की कोशिश की इन्होंने, जिसमें कि रमज़ान में सबकी हेल्प करना चाहिए, हेल्प ईच अदर, और ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहिए स्पेशली। और यहाँ 1 का 70 मिलता है, बढ़िया, बहुत बढ़िया महीना, 1 का 70 गुना मिलता है, ये महीने की रौनक ही अलग रहती है ना, अपने चेहरे पे नूर ऑटोमेटिक आ जाता है, सब नमाजों के पाबंद हो जाते हैं ऑटोमेटिक, शैतान मतलब शैतान वैसे ही दूर भाग जाता है, अपन खुद ही खुद से नमाज पढ़ने लग जाते हैं, आलसी आती है, आलसी आती है, लोग बोल के थक जाते हैं, भाई चले जा, अम्मी बोलते नमाज पढ़ने चले जा, तो वहाँ रमजान में बोलना नहीं पड़ता, रमजान में बोलना ही नहीं पड़ता, सीधे आवाज आई और निकल ले, चलो निकलो, हो गया टाइम नमाज पढ़ने का। तो रमजान का खूबसूरत महीना, रमजान की बरकतें, ये सब, और रमजान में लोग काम भी करते लेकिन फिर भी उनके
जेबों में बहुत बरकत रहती, कम काम कर पाते, काम कर पाते फिर भी जेबों में बरकत रहती। मतलब जो लोग पूरे साल जो चीजें खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, वो रमजान के ऐसी ऐसी नेमतें हैं जो पूरे को मिलती है। पूरे साल भर ऐसी नेमतें जो नहीं खा सकते पी सकते, वो रमजान में वो सब नेमतें मिल जाती है। राइट, लाइक गरीबों की बात कर रहा हूं। कोशिश करेंगे रमजान का कोई व्लॉग बनाए, व्हाई नॉट, खैरात वाले टाइम में बना देंगे जब खैरात करने जाएंगे अपन। हाँ, मतलब कभी भी कहीं जैसे मार्केट की रौनक, लाइटिंग, तो पूरे रमज़ान का एक व्लॉग बनाएं, अलग अलग बनाएं, क्योंकि यहाँ तो भाई आपने, यहाँ तो रमज़ान का ऐसा है कि खजराना में तो आज के दिन से ही रौनक शुरू है। हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, आज से ही रौनक शुरू है आज रात से, तो वो पूरे तो रात के बाद वाले दिन बना सकते हैं अपन। हाँ, ये कर सकते हैं, तो मे बी शबे बारात के दिन जो भी रहेगा। हाँ, तो बनाएंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। मुसलमानों वाला इंशाल्लाह। हाँ चलो ठीक, बहुत से लोग इंशाल्लाह ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उनको वो चीज़ करना नहीं रहती है। नहीं, हम करने के लिए सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल करने के लिए सोच रहे हैं। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, और हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।